इवनिंग मम्मीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैं गिर जा रही थी, अभी हो रहा है शाम के 4:30 और मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने। तो चलिए किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये लीजिए, मैं पहुंच गई हूँ अपना किचन में। चलिए, मैं पहुंच गई हूँ अभी किचन में और मैं अभी बनाने वाली हूँ चाय। तो हम लोग अभी चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। एक्चुअली टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड। आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं शाम से आज वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो क्या है, एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद जाएंगे गणपति बुकिंग के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हम लोग आज जाएंगे गणपति जी बुकिंग के लिए। एक्चुअली इस साल हम लोगों का 5th गणपति है, तो वो पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। तो मैं जाऊंगी तो मैं पूरा शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मैं चाय बनाऊंगी, हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे गणपति जी का बुकिंग के लिए। तो चलिए, पहन चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, मतलब हम मायंक और शेखर जी जा रहे हैं गणेश जी बुकिंग कराने। तो ये देखिए मायंक, आ जा बेटा। ये देखिए मायंक, हेलो बोलो। हेलो। तो मायंक भी रेडी है, हम भी रेडी हैं, शेखर जी आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे बहुत अंधेरा है बाहर में, तो जितना तक हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मूर्ति बन रहा है, रुकिए। यहाँ पे सारी दुर्गा माँ का मूर्ति बन रही है। ये सारे मूर्ति अभी आधे अधूरी है, दुर्गा पूजा आते आते ये सारे मूर्ति भी तैयार हो जाएंगे। तो यही खासियत है कुमार टोली का। हम लोग अभी है कुमार टोली में और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं गणेश जी। तो आपको दिखाए पंडाल में आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति है। तो ये एक्चुअली कलकत्ता का, ओल्ड कोलकाता का। ये देखिए, एक चीज आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये है एक्चुअली ओल्ड कोलकाता। तो हम लोग वहीं पे आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। Oh,
लोग तो मूर्तियाँ चूज कर चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और ये जो गली से हम लोग जा रहे हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओल्ड कोलकाता। आप लोग बहुत पिक्चरों में देखे होंगे ऐसे गली, कोलकाता का रास्ता, नॉर्थ कोलकाता का बेसिकली। तो मैं वो आपको लाइफ दिखा रही हूँ, मेरा घर का जो रास्ता है, जाने का जो रास्ता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोलकाता, एंजॉय दिस ब्यूटी। घर में आ चुकी हूँ और अभी अभी जस्ट हम लोग घर में आए हैं। मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने। एक्चुअली आज मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि पूरा कोलकाता हम लोग घूमे। एक्चुअली पूरा कोलकाता नहीं, कुमार टुली जो है जहाँ पे भगवान जी मिलते हैं, स्टैचू मूर्तियां बनते हैं, तो वहीं पे हम लोग गए थे। और प्रॉपर जहाँ पे मूर्तियां बनती है ना कोलकाता का, कुमार टुली, नॉर्थ कुमार टुली, एक्चुअली वहीं पे हम लोग गए थे। तो बहुत अच्छा अच्छा सब चीज हो गया है, भगवान जी को भी हम लोग मतलब चूज कर चुके हैं, हम लोग जाएंगे लाने। तो सब होने के बाद अभी मैं घर आई हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, एक्चुअली मेरा हालत खराब हो रहा है पसीने से, इतना गर्मी। और थोड़ा जल्दी भी मैं आ गई हूँ क्योंकि बहुत भीड़ था वहां पे, तो मयंक को लेके उतना भीड़ में जाना भी ठीक नहीं लग रहा था, तो हम लोग इसलिए जल्दी आ गए। लेकिन बहुत अच्छा, हम लोगों का मन पसंद भगवान जी मिल गए हैं, मतलब जो जैसा एक्चुअली हम लोगों को चाहिए था। तो जो भी हो, सब चीज अच्छे से हो गया है और अभी फिलहाल मैं जाऊंगी अपना कॉफी बनाने। एक्चुअली क्या है ना, इतना गर्मी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोल्ड कॉफी बना लूं। और बाय द वे, कोल्ड कॉफी बनाओ तो बनाओ, रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए कोल्ड कॉफी बनाते हैं किचन में और आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और मैं लगी हूँ यहाँ पे कॉफ़ी बनाने। ये जो कॉफ़ी है ना, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कैफीन थोड़ा कम होता है। और ये मैंने मंगाया था अमेज़न से, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये मैं 1.5 चम्मच के करीब कॉफ़ी मैं ले लूँगी एक बॉल में। बॉल में मैं क्यों ले रही हूँ वो मैं थोड़ा देरी में आपको बताऊँगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब ले लूँगी थोड़ा सा पानी। बाय द वे, मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ विथ आइसक्रीम, तो इसको मैं थोड़ा सा घोल लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी में कॉफ़ी घुल जाए, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है, तो बीटर का मदद से मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। बाय द वे, ये जो ड्रिंक मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, ये मेरा घर का सबका फेवरेट है, मतलब मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। जो लोग कॉफ़ी लवर है वो लोग जानते हैं कि कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम कितना अच्छा लगता है। बाय द वे, यहाँ पे थोड़ा सा बीट हो गया है, अब मैं 1 चम्मच चीनी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। करने के बाद इसको बीट करेंगे ताकि ये कॉफ़ी थोड़ा सा हल्का हो जाए। देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी हो जाएगा, ऐसे एकदम हल्का हो गया, पूरा क्रीम बन गया कॉफ़ी का, तो यही मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा साइड कर दूँगी और इसको चलिए साइड कर देते हैं, फिर मैं आगे का काम करती हूँ, ठीक है। अब मैं एक मिक्सर का जार ले चुकी हूँ और कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। इसमें थोड़ा सा मैं बर्फ़ डाल दूँगी और बर्फ़ डालने के बाद में इसमें मैं मिलाऊंगी चिल्ड मिल्क। देखिए दूध में भी मैं बर्फ़ डाल के रखी थी, ये ठंडा ठंडा दूध ये बर्फ़ के अंदर जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मिलाऊंगी शक्कर, मतलब शुगर। आप चाहे तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं शुगर मिलाऊंगी। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच कॉफ़ी और ये है चॉकलेट सिरप, ये जाएगा इसके अंदर। आप कोई भी चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं या फिर मेल्टेड चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये चॉकलेट सिरप देने से ना इसका टेस्ट ना बहुत इन्हांस हो जाता है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 चम्मच वैनिला आइसक्रीम।
अब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं क्या करेंगे। मिक्सी का काम तो हो गया। अब मैं एक ग्लास ले लूंगी यहाँ पे। इसको मैं चॉकलेट सिरप से थोड़ा कोट कर रही हूँ। मैं उतना अच्छा कोट नहीं कर सकती हूँ, घर पे बना रही हूँ। थोड़ा ग्लास अच्छा लगे देखने में, उस तरह से पूरा ग्लास को मैं कोट कर चुकी हूँ चॉकलेट सिरप से। तो कोट करने के बाद इस तरह से देखिए, अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो ये कोट करने के बाद ये मेरा जो कॉफी तैयार हो गया है ना मिक्सी में घुमाने के बाद, देखिए एकदम ठंडा ठंडा चील चील बहुत अच्छा कॉफी मेरा तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, ये कॉफी को ये ग्लास में ढाल दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है ना कोल्ड कॉफी का, तो मैं जो क्रीम बना के रखी थी बीट करके, वो क्रीम मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी क्योंकि वो जो ग्लास से गिरने वाला जो एक फीलिंग्स आती है ना, तो वो वाला मुझे चाहिए जो कैफे में एक्चुअली होता है। तो इसलिए मैं इसको क्रीम थोड़ा ज्यादा दे दूंगी। अब मैं इसके ऊपर मिलाऊंगी 1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम। मैं 1 स्पून मिला रही हूँ वैनिला आइसक्रीम और उसके ऊपर चॉकलेट सॉस। वाओ, ये गिरने वाला जो सीन है ना, ये मुझे, आई जस्ट लव इट। तो इसको थोड़ा सा हल्का से मैंने चम्मच के मदद से थोड़ा अंदर कर दिया है, मतलब आइसक्रीम को, और उसके ऊपर फिर मैं चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ डेकोरेशन के लिए। और उसके ऊपर थोड़ा सा ये दूध का मलाई थोड़ा डाल रही हूँ, प्लेन दूध का जो मलाई होता है, और उसके ऊपर और थोड़ा सा ये क्रीम जो मैंने, कॉफी क्रीम जो मैंने बीट करके रखी थी, और उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस। तो देखिए यम यम लुक, इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, लग रहा है ना कैफे में आए हैं और कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम खाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। आप दिस गणेश चतुर्थी आपका घर में कोई गेस्ट आए तो एज ए वेलकम ड्रिंक आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब बना के दे सकते हैं, झटापट बन जाता है और टेस्टी तो बहुत है। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई ब्लॉग विच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विथ परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।